दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें हर एक दौर में अलग अलग तरह की टैलेंटेड अभिनेत्रियां देखने को मिली हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय और यूनिक स्टाइल से फिल्मों में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन अपने दौर में राज करने वाली अभिनेत्रियां धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गईं और उनकी जगह अब नई अभिनेत्रियों ने ले ली है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने करियर में खासा नाम कमाया, लेकिन समय के साथ साथ वही अभिनेत्री इंडस्ट्री से दूर होने के बाद आज गुमनामी के पन्नों में शामिल हो गई हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अभिनेत्रियां। नंबर 7, रिंकी खन्ना। दोस्तों, अगर आपने साल 2000 में आई गोविंदा की ब्लॉकबस्टर फिल्म जिस देश में गंगा रहता है देखी होगी तो आपको गोविंदा के ऑपोजिट नजर आने वाली अभिनेत्री रिंकी खन्ना तो जरूर याद होगी, जिन्होंने इस फिल्म में अपनी अदाकारी से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन इस फिल्म के बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम करने की कोशिश की, पर इनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने साउथ इंडस्ट्री की तरफ अपना रुख किया, लेकिन वहां भी इन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद इन्होंने हार मानकर इंडस्ट्री से दूरी बना ली और बिजनेसमैन समीर सारन से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में रिंकी खन्ना को इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं बीते वक्त में रिंकी खन्ना आज पहले से काफी बदल चुकी हैं और ये पहले जितनी खूबसूरत थी नजर नहीं आती। जहां इस फिल्म में काफी ग्लैमरस और हॉट लुक में नजर आई थी, लेकिन वही समय के साथ साथ इन्होंने अपने ग्लैमर लुक को भी खो दिया है, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 6, तनुश्री दत्ता। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने अपने करियर में बहुत से फिल्मों में काम किया, जिनमें आशिक बनाया आपने, ढोल, भागम भाग, रकीब और गुड बॉय बैड बॉय जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों में इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, पर एक दिन इन्होंने भी अचानक इंडस्ट्री से दूरी बना ली। इन्हें आखिरी बार साल 2010 की 3 फिल्मों में देखा गया था, जिनमें से एक अपार्टमेंट शामिल है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में इन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए करीब 10 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं बीते 10 सालों में तनुश्री दत्ता काफी बदल चुकी हैं और आज पहले के मुताबिक काफी मोटी भी हो चुकी हैं, जिसके चलते ये पहले जितनी खूबसूरत और ग्लैमरस नजर नहीं आती जितनी कि ये पहले दिखाई देती थी, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 5, आयशा जुल्का। बॉलीवुड की मल्टी टैलेंटेड अभिनेत्री आयशा जुल्का ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में बॉलीवुड को दी थी, जिनमें जो जीता वही सिकंदर, होते होते प्यार हो गया, हिम्मत वाला और जज मुजरिम, इन सभी फिल्मों को करने के बाद इन्होंने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना ली थी। लेकिन इतनी फेमस होने के बावजूद इन्होंने एक दिन इंडस्ट्री से दूरी बना ली और बिजनेसमैन समीर बशी से शादी कर ली। अपनी मैरिज लाइफ में आज वो काफी बिजी हैं। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में आयशा जुल्का को इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं आयशा जुल्का इन बीते समय में काफी बदल चुकी हैं और आज ये 47 साल की हो गई हैं और पहले जितनी खूबसूरत भी नजर नहीं आती। जहां ये एक समय काफी स्लिम ट्रिम गॉर्जियस नजर आती थी, वहीं पहले के मुताबिक आज ये काफी मोटी हो गई हैं, जिसके चलते इन्होंने अपना हॉट लुक भी खो दिया है। आपको बता दें, इंडस्ट्री से दूरी बनाने के बाद इन्होंने अपने करियर की दोबारा से शुरुआत की है, पर इस बार ये अभिनेत्री के तौर पर नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमन के तौर पर। आज इनका मुंबई में काफी जाना माना नाम है। नंबर 4, अनु अग्रवाल। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी में अपने दमदार अभिनय से सभी के दिलों को धड़काने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल ने इस फिल्म से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की थी, जिसके बाद इनकी झोली में कई फिल्मों का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिनमें द क्लाउड डोर, किंग अंकल और जुकुंडली। पर इन सभी फिल्मों में अभिनय करने के बाद इन्होंने एक दिन अचानक इंडस्ट्री से काफी दूरी बना ली। इन्हें आखिरी बार साल 1996 की फिल्म रिटर्न ऑफ जवल थीफ में देखा गया था। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय में अनु अग्रवाल को इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए 24 साल हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं बीते 24 साल में अनु अग्रवाल काफी बदल चुकी हैं। आज इनकी उम्र 51 साल की हो गई है और ये पहले जितनी खूबसूरत भी नहीं लगती। दरअसल इनके साथ एक गंभीर हादसा हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अपनी नेचुरल ब्यूटी को हमेशा के लिए खो दिया। आज ये काफी भद्दी नजर आती है, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों को देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 3, नम्रता शिरोडकर। बॉलीवुड की पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी नम्रता शिरोडकर ने अपने बॉलीवुड करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, हीरो हिंदुस्तानी, तेरा मेरा साथ रहे, दिल विल प्यार व्यार और कच्चे धागे जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों से इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी, लेकिन इतनी लोकप्रियता हासिल करने के बाद इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और साउथ एक्टर महेश बाबू से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में इन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं इन बीते समय में नम्रता शिरोडकर पहले से काफी बदल चुकी हैं। जहां एक समय ये अपने ग्लैमरस लुक और खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बनाती हुई नजर आती थी, वहीं आज के समय में ये काफी अजीब सी दिखाई देती हैं और इन्होंने अपने हेयर स्टाइल को भी काफी शॉर्ट करा लिया है, जिसके चलते आज ये काफी अजीब सी दिखती हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 2, सोनू वालिया।
दोस्तों, अगर आपने रेखा की ब्लॉकबस्टर फिल्म खून भरी मांग देखी होगी तो आपको इस फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सोनू वालिया तो जरूर याद होगी, जिन्होंने अपने बोल्डनेस और अपने हॉट लुक से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। इस फिल्म के बाद इन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की और एक दिन अचानक इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में इन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए काफी समय हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं बीते समय में आपकी ये फेवरेट अभिनेत्री पहले से काफी बदल चुकी हैं। आज ये 56 साल की हो गई हैं और पहले जितनी खूबसूरत और ग्लैमरस नजर नहीं आती। जहां एक समय ये अपने बोल्डनेस और हॉट अवतार से सभी को दीवाना बनाने का हुनर रखती थी, वहीं आज के समय में ये बढ़ती उम्र के साथ साथ इन्होंने अपनी प्यारी सी खूबसूरती को भी खो दिया है, जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। नंबर 1, शर्बानी मुखर्जी। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी की पत्नी का किरदार निभाकर लोगों के दिलों पर एक छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री शर्बानी मुखर्जी ने इस फिल्म से काफी लोकप्रियता हासिल की थी। इस फिल्म के बाद लगने लगा था कि ये बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों की छुट्टी करने आई हैं, लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई। इस फिल्म के बाद इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया था, पर इनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने अपना रुख साउथ और मलयालम फिल्मों की तरफ किया, जहां इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। शुरू शुरू में इन्हें वहां भी काफी फेम हासिल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वहां भी इनकी दाल नहीं गली, जिसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। वर्तमान समय में इन्हें इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए काफी समय हो चुका है, पर इन बीते समय में शर्बानी मुखर्जी काफी बदल चुकी हैं। आज 51 साल की हो गई हैं और पहले जितनी खूबसूरत भी नजर नहीं आती। बढ़ती उम्र के साथ साथ इनकी खूबसूरती भी ढल सी गई है और मोटापा भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से आज ये पहले जितनी खूबसूरत नजर नहीं लगती। जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वर्तमान समय में ये इंडस्ट्री से दूर होकर मुंबई में रहती हैं। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों में से आपकी फेवरेट अभिनेत्री कौन है, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।